बीकानेर से बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस के सामने एक नई चुनौती आई है। अब बैंक अकाउंट से साइबर फ्रॉड की जानकारी आ रही है। बीकानेर के बुलंद व्यापारी के अकाउंट से उड़ाए थे 74 लाख रुपए और साइबर टीम प्रभारी देवेंद्र एंड टीम ने 4 घंटे में 53 लाख रुपए को होल्ड करवा दिया। 53 लाख रुपीज इसमें होल्ड करवाए गए। साथ ही हैकर को ट्रेस करने सहित दूसरी जांच प्रक्रिया जारी है। इस मामले को लेकर SP तेजस्विनी गौतम को व्यापारी ने कार्यालय में आकर कहा, शुक्रिया मैडम, आपकी साइबर टीम ने बचा लिया एक बड़ा नुकसान होने से। टीम का सम्मान किया, साथ ही शेष राशि की भी वापस होने की उम्मीद जताई। साइबर टीम के रामबख्श, सीताराम, प्रदीप और सत्यनारायण की इसमें अहम भूमिका रही। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से बीकानेर की साइबर टीम की राज्य स्तर पर चर्चा है। पूरी जानकारी के साथ बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बीकानेर की साइबर टीम की यहाँ पर कार्यप्रणाली वाकई में काबिले तारीफ है। कम ही समय में काफी बड़े अमाउंट को रिकवर करने की और होल्ड करने की कार्रवाई, क्या ये पूरी घटना रही? विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी अच्छी कार्रवाई है और बहुत कम समय में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। खास बात ये रही कि कोई लिंक नहीं आया, कोई SMS नहीं आया, तो जो अंदेशा लग रहा है वो ये है कि बैंक अकाउंट से फ्रॉड हैक करके, बैंक अकाउंट को कई बार हैक कर लिया जाता है, तो वैसा कुछ हुआ है। इसमें देवेंद्र जो साइबर टीम के प्रभारी है, उन्होंने उनकी टीम ने मिलकर ये काम किया। SP तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में कार्रवाई हुई, जिसके बाद व्यापारी पहुंचा, सम्मान किया एक तरह से टीम का। हालांकि 53 लाख रुपए होल्ड हुए हैं, अभी भी 21 लाख जो राशि है उसको लेकर भी व्यापारी ने उम्मीद जताई है कि इसका भी कुछ कीजिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, नया तरह का क्राइम बढ़ रहा है साइबर, और अब जब आप बिना किसी लिंक, बिना कोई OTP साझा किए इस तरह की अगर फ्रॉड होने लगे, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में भी। खैर गुजरी है, अच्छा काम यहाँ पर टीम ने किया है और 53 लाख को होल्ड करा लिया है, बाकी जो है जाँच जारी है। लक्ष्मण, इसके अलावा साइबर टीम ये भी बता रही होगी, क्योंकि बेहद ही अनयूजुअल किस्म का क्राइम है, ये लिंक भी नहीं आ रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं, ना मैसेज आ रहा है, तो ध्यान रखने की क्या जरूरत है टीम की ओर से? ये भी निर्देश या फिर लोगों को बताया जा रहा होगा कि किस संबंध में, किस तरह की यहाँ पर एहतियात बरतने की जरूरत है इस क्राइम से बचने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ऐसी चीजें बार बार हो रही है जिसको लेकर लक्ष्मण आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त बीकानेर के SP तेजस्विनी गौतम हमारे साथ जुड़ गया है। तेजस्विनी जी, आपका बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। और साइबर टीम की जो कार्यप्रणाली जिसको लेकर चर्चा अभी सहयोगी लक्ष्मण से हो रही थी, बेहद काबिले तारीफ। इस मामले में, उक्त मामले में 53 लाख रुपए की राशि को होल्ड करवाया गया है, किस तरह की कार्रवाई रही मैम, और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर जनता से किस तरह की अपील, क्योंकि पता भी नहीं लगा, लिंक भी नहीं आया, ना मैसेज आया इसमें? जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए देखने वाली थी वो ये थी कि ये एक बड़े बुलंद बिजनेसमैन है जिनका ओन का कारोबार था, और ये इनकी जो लिमिट है, इन्होंने बैंक से जो है वो बड़ी लिमिट करा रखी थी, यानी एक ट्रांजैक्शन में 25 लाख की लिमिट इन्होंने करा रखी थी, जिसका फायदा फ्रॉडस्टर्स ने उठाया। तो सबसे पहले तो सावधानी बरतने की बात है कि जो भी बिजनेसमैन अपने करंट अकाउंट रखते हैं वो अपने अकाउंट्स की लिमिट को कम रखें, भले ही ट्रांजैक्शन ज्यादा करने पड़े, लेकिन अपनी अमाउंट की लिमिट कम हो, ताकि एक ट्रांजैक्शन में 1 लाख 2 लाख या 5 लाख रुपए ही जा पाए। अगर हम 25 लाख की लिमिट रखते हैं तो एक साथ जैसे इनकी 72 लाख अलग अलग ट्रांजैक्शन में अलग अलग बैंक अकाउंट से निकल गए। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं बैंक वालों की गलती की वजह से भी, या कोई सर्वर हैक करने की, या जो अपनी हम लोग नहीं कर पाते हैं इतना ज्यादा सिक्योरिटी चेक, या 2-स्टेप वेरिफिकेशन या 3-स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है उसको भी हम लोग ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये बीकानेर पुलिस की साइबर रिस्पांस टीम की बहुत अच्छी कार्रवाई है। 72 लाख में से 53 लाख रुपए का अभी तक रिकवर हो जाना या फ्रीज करवा देना, मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बड़ा रिकवरी है हमारा। और हमारी टीम लगातार इस तरीके की काम कर रही है, और साथ ही साथ आपके माध्यम से 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का, उसको भी बताना चाहूंगी, ताकि जितनी जल्दी अगर आप बताएंगे पुलिस को, उतनी जल्दी आपके पैसे आने की या फ्रीज होने की ज्यादा चांस रहते हैं। बिल्कुल मैम, ये बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी। लेकिन मैम, अभी जो व्यापारी जिनसे जुड़ी हुई घटना है, उनके रिमेनिंग अमाउंट को लेकर क्या अपडेट है? कुछ अमाउंट अभी भी रिकवर किया जाना है, उसको लेकर टीम की ओर से कोशिशें किस तरह से, और क्या अपडेट, स्टेटस क्या है उसका? बिल्कुल, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है, और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और भी जांच करके कि मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है फ्रॉडस्टर का, उसको भी हम जान पाएं, और उसके लिए भी पूरी टीम जो है प्रयासरत है।
ठीक है तेजस्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सहयोगी लक्ष्मण राघव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पर पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, और जनता से अपील भी करने के लिए कि साइबर क्राइम से किस तरह से बचा जाए, किन एहतियातों को ध्यान में रखा जाए।